बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग कॉर्नर में जुमैरा नूरी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज के दिन बहुत ही मज़े का है। आज मैंने अपने बहुत से अच्छे से सब्सक्राइबर आयशे शफीक, इसके अलावा अब्दुल्ला खान, साथ साथ मैंने अयान खान और अहमद सबीर रहमान, मुतील हसन, अम्मार, इन सब की फरमाइश पर बहुत ही मज़े के बनाए हैं ब्रेड बाइट्स। ये देखने में जितने मज़े के हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे, इसका तरीका बहुत ही आसान है। और आइए फिर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लेने हैं आपने दो दर्द स्लाइस, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने दो लिए। इसको इस तरीके से क्यूब्स में काटें। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, जस्ट इनको रोस्ट करना है उतना जितना आपको पसंद है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसको कलर दें। जब ये दोनों तरफ से सुर्ख हो जाएं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करें। ये आपके सामने तैयार हैं जो कि हमने रोस्ट कर लिए थे। अब अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी हाफ कप के करीब चीनी और इतना ही पानी। तो इसका हम बनाएंगे कैरामल शीरा, जो भी आप इसको नाम दें। सबसे पहले आपने पानी को गर्म करना है, इसके अंदर आपने चीनी डालनी है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं, दोनों तरह आप इसको इस्तेमाल करें, या इतनी क्वांटिटी डाल दें जितनी मैंने बताई है, या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद आपने इसके अंदर इजाफा करना है एक और चीज़ का, लेकिन वो मैं अभी बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल आप इसको कैरामल होने दें, अपने पसंद के मुताबिक इसको कलर दें। मैंने थोड़ा इसको लाइट रखा है। जब ये इस तरीके से आपको महसूस हो थोड़ा थिक होता, तो इसके अंदर आप हाफ टी स्पून जो है वो मक्खन का डाल दें, देसी घी डाल दें। मैंने इसके अंदर डाला है देसी घी। अब आप इसको मज़ीद जो है वो पकाएं, इतना आप इसको फ्राई करें कि ये जो है पानी इसका और ऑयल या मक्खन जो है वो इस तरीके की शक्ल में आ जाए। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध जो है वो शामिल करें, दोबारा से आप इसको पकाएं, और बाद में आप इसके अंदर जितने भी रोस्टेड क्यूब्स से ब्रेड के बोर्ड डालें, और अच्छे तरीके से आप ये सारा मिक्सचर इसके अंदर हल करें, और ऊपर आप बादाम जो है वो क्रश करके डालें। ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है डाल दें। उसके बाद ये सारा जो कैरामल ब्रेड के अंदर आप मिक्स करें इस तरीके से, तो ये आपके सामने बहुत ही मज़े के क्रंची और बहुत ही स्वीट और बहुत ही टेस्टी जो है ब्रेड बाइट्स तैयार हैं। इनको आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद आपने इसे खाना है, खूब सा इंजॉय करना है। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, पसंद आने की सूरत में कमेंट कीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।